इधर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और आरएलडी के बीच की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि संसद के बाद यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में आरएलडी पर नरम रुख अपनाते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया, जिसके बाद एक बार फिर ये अटकलें लगाई जाने लगी कि लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी विपक्षी गठबंधन इंडिया का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो जाएगा। 7 अगस्त को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग हुई थी, लेकिन उसमें जयंत चौधरी ने वोट नहीं डाला था। इसके 4 दिन बाद यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में आरएलडी पर नरम रुख अपनाया और बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। हमारे लोक दल के साथी कैसे इनकी बातों को झेल लेते हैं कि चौधरी साहब के सपने को साकार हमारी सरकार ने किया। डबल इंजन। पश्चिमी यूपी में अच्छी पकड़ रखने वाले आरएलडी ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। वहीं प्रधानमंत्री पर टिप्पणी के मामले में लोकसभा से सस्पेंड हुए अधीर रंजन चौधरी के समर्थन में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। अधीर रंजन चौधरी को एक दिन पहले सदन से सस्पेंड किया गया था और जब तक विशेषाधिकार हरण कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक वो सस्पेंड रहेंगे। उन पर यह एक्शन संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की मांग पर लिया गया, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन इंडिया ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। वो संसद परिसर में इकट्ठा हुए, जिसके बाद उन्होंने वहां बनी अंबेडकर की प्रतिमा तक मार्च निकाला, जिसमें राहुल गांधी सबसे आगे चलते नजर आए। एक दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद न केवल उनके बयान को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया था बल्कि उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया, जिसके बाद लोकसभा में अगले दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। मानसून सत्र के आखिरी दिन जैसे ही स्पीकर अपनी चेयर पर बैठे, कांग्रेस समेत विपक्षी सांसद शोर मचाने लगे और उन्होंने अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ हुई कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। नारायण भाई कचारे। यही नहीं, कांग्रेस ने यह मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया, जिस पर वहां भी खूब हंगामा हुआ। वहां यह मुद्दा विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया। यही नहीं, उन्होंने पिछली कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए सभापति से हाथ जोड़कर उनका माइक न बंद करने की गुजारिश की और फिर उन्होंने राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के सस्पेंड होने और फिर अधीर रंजन चौधरी पर हुई कार्रवाई का जिक्र कर डाला, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई और वहां भी अधीर रंजन के सस्पेंड होने के मामले पर शोरगुल होने लगा। जल्दी माइक बंद मत करो साहब, मेरा एक विनती है। क्योंकि आज लास्ट डे है और इतने लोगों को इस सदन से सस्पेंड किया गया और वहां पर अधीर रंजन चौधरी जो अपोजिशन लीडर है उनको भी सस्पेंड किया गया। ये ऐसा, अरे अरे संविधान में दोनों हाउस है।